सो प्लस टू क्लास जो साडा नैक्सट टॉपिक है जेनेटिक कोड तो बाद, ठीक है। सो वह की है इफेक्ट ऑफ म्यूटेशंस, है ना। सो कि उत्ते प्रोटीन के स्ट्रक्चर के उत्ते ते फंक्शन के उत्ते कि म्यूटेशंस का की असर पै रहा। सो इस टॉपिक दे विच ही पिछले चैप्टर्स दे विच भी असी कीती सी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस कीतियां सीगियां। जेनेटिक्स का जो पिछला लैसन सी म्यूटेशंस बच्चों सारियां नूं पता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का मैनू नहीं पता कि उन्होंने पता कि नहीं, ठीक है। सो प्रोटीन स्ट्रक्चर जिहड़ा हैगा तीन तरह दी म्यूटेशनस है जिहड़ियां कि प्रोटीन स्ट्रक्चर नूं आल्टर कर सकदियां, उहदे च चेंजेस लैके आ सकदियां। इस चैप्टर च असीं इन्ना पढ़िया कि इंडिविजुअल्स जिहड़े हुंदे आ उन्हां दे अंदर जीन्स हुंदियां ने, जीन्स जिहड़ियां हुंदियां ने उह मैसेज दिंदियां, मैसेंजर आ रहे हैं वो फिर ट्रांसफर आ रहे हैं मैसेज देंगे भी अमाइनो एसिड्स को कैरी कर लै तो कितने लै जा राइबोसोम्स के कोल लै जा जेडे कि प्रोटीन फैक्टरी है तो उत्थे प्रोटीन की सिंथेसिस होंदी सी। फिर तुहानू एक गल समझाई सी, ठीक है, भी स्ट्रक्चरल जीन है तो जेकर वो एक भी नाइट्रोजीनस बेस जेकर चेंज आ गई ना, ठीक है, तो की हो गया सीगा पोलीपेप्टाइड चेन दे विचों दी अमाइनो एसिड्स चेंज आ गई सी, वो की सी म्यूटेशंस। सो नैचुरली जदों भी कभी म्यूटेशंस होणगियां प्रोटीन दे स्ट्रक्चर च चेंजेस आणगियां ही आणगियां, ओके, ठीक है। सो प्रोटीन दा स्ट्रक्चर जिहड़ा हैगा तीन तरह दीआं कि म्यूटेशंस हैगियां ने, नंबर वन जीन और पॉइंट म्यूटेशंस, है ना। सो जिहदे च की हो रहा समझाइया हुई तुहानू सारियां म्यूटेशंस, जां तां किसे नाइट्रोजीनस बेस दा एडिशन हो रहा जां फिर की हो रहा उहदा डलीशन हो रहा, ठीक है, जां की हो रही है रीप्लेसमेंट सिर्फ एक नाइट्रोजीनस बेस दी। इस करके बच्चे पॉइंट कितना हुंदा, पॉइंट बड़ा छोटा जिहा हुंदा, निक्का जिहा पॉइंट हुंदा, तो इत्थे की मतलब हैगा एक सिर्फ नाइट्रोजीनस बेस च चेंज आई है, जां तां उह डिलीट हो गया जां कोई नवा नाइट्रोजीनस बेस ऐड हो गया तो जां फिर उहदी जगह ते कोई होर आ गया, इस करके इहनूं की कहा जांदा जीन और पॉइंट म्यूटेशंस। नंबर टू डिलीशन और एडिशन जिहड़ा हो रहा, ठीक है, डीएनए चंक्स दा, चंक्स की है हुणे थोड़े जे वड्डे टुकड़े हो गए, पहला नाइट्रोजनस बेस एक ही बेस सीगा, चंक्स तुसीं अक्सर देखा होना, पता नहीं मैनूं न्यूट्री दे पैकेट दे बाहर पढ़िया कि नहीं है, कई लोग छोटे छोटिया टुकड़े लेंदे आ वो चंक्स हुंदे आ न्यूट्री दे। इसे तरीके दे नाल ये हुण की हैगी है कि चेंजिज़ आ गए ने डीएनए दे छोटे छोटे टुकड़ियां चेंजिज़ आ रही ने, ओके। सो इस करके की है एडिशन और डिलीशन हो रहा है, डीएनए चंक्स का हो रहा, कदों होया सीगा डीएनए स्टैंड्स दे विचकार जदों की होई सी क्रॉसिंग ओवर, नैचुरली उदों भी चेंजिज़ आनी आनी आ, ठीक है जी। तीसरा पॉइंट तुहाडे कोल आ गया जंपिंग जीन्स, है ना, ठीक है। सो नाम तो पता लगता पाया जिहड़ियां जंप कर जांदियां एक जगह तो दूसरी जगह पर चलिया जांदियां, पोजिशन दे विच उहनां दे चेंज आ जांदियां, जां फिर मैं की कह सकदी आ लोकेशन, जां असीं पोजिशन की जगह पर की शब्द वरत सकते हैं लोकेशन दे विच चेंजिज़ आ जांदियां, ठीक है, क्यों, क्योंकि जिहड़ियां सिमिलैरिटी जिहड़ी सीगी डीएनए सीक्वेंसिस दे विचकार, है ना, उत्थों दी जिहड़े क्रोमोसोम्स सीगे उहनां दे विचकार जीन्स दे अंदर चेंजिज़ आईयां सी, जंपिंग हो गई सी उहनां दी। सो जिहड़ी प्रोटीन फिर आल्टर्ड हो गई जिहदे च चेंजिज़ आ गईयां म्यूटेशन हो गया उहदा की इफेक्ट पैंदा, ठीक है। सो जिन्नियां भी असीं उपर म्यूटेशनस जे कहिंदा देखियां उह तुहानूं सारियां ते सारियां कित्थे देखण नूं मिलणगियां प्रोटीन दे स्ट्रक्चर च देखण नूं मिलणगियां, क्यों, क्योंकि mRNA, ठीक है, जिहड़ा कि पता है, ठीक है, कि जदों किसी जीन दे विच थोड़ी जी भी चेंज आ गई, है ना, सो बच्चे तो फिर की हो जाना उहदे तो जिहड़ा mRNA तुसीं तैयार कीता उहदे च भी चेंज आ जानी, फिर तुहानूं पता जेकर mRNA दे मैसेज च चेंज आ गई तो फिर पोलीपेप्टाइड दे अमाइनो एसिड दे अरेंजमेंट दे विच अपने आप ही चेंज आ जानी है, तो नैचुरली फिर जिहड़ी प्रोटीन बननी है वह किदां दी प्रोटीन बनेगी, आल्टर्ड प्रोटीन बनेगी, समझदे पियो आल्टरिंग का की मतलब है चेंजिस, है ना। सो इतने एक मैं तुम्हें फिर तो दोबारा दसना चाहनी हाँ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के बारे मैं तुम्हें थोड़ा जहा दसना चाहनी हाँ, ठीक है। सो किसी भी जीन के अंदर जेडे नाइट्रोजीनस बेस चाहे ऐड हो रहे हैं चाहे डिलीट हो रहे हैं पर बच्चे वो डिविजिबल नहीं है उन्होंने थ्री दे नाल की नहीं किया जा सकता, डिवाइड नहीं किया जा सकता, इस तरीके दे नाल चेंज हो रहे हैं। सो उस ऑल द बेस ट्रिपलेट्स बियोंड द साइट ऑफ म्यूटेशन आर आल्टर्ड इन द mRNA ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम इट, दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटायरली ए न्यू पोलीपेप्टाइड, इनू कड़ियाँ म्यूटेशन कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। तीन तीन नाइट्रोजीनस बेस के जोड़े सिगे, ठीक है, पर पता नहीं किहड़ा बेस ऐड कर गया किहड़ा बेस डिलीट कर गया, वो पर तीन थ्री दे नाल डिविजिबल नहीं सी, वो तीन दे नाल डिवाइड होने वाला नहीं सी, तो फिर उस एरिए तो परां जिन्नियां भी म्यूटेशनस हुईयां ना डीएनए दे अंदर जिन्नियां भी चेंजिज़ आईयां असीं उन्हां नूं किहड़ियां म्यूटेशनस कहा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशनस कहा, ठीक है जी।
ਸੋ ਇੱਕ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੰਗਲ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡ ਦੇ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡ ਦੇ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਿਪਲੈਟ ਸੀ ਨਾ, ਟ੍ਰਿਪਲੈਟ ਤਿੰਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨਸ ਬੇਸਿਸ ਦਾ ਜੋੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨਸ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨਸ ਬੇਸ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੇਂਜ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨਸ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਦੂਜਾ, ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨਸ ਬੇਸ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਵੋਬਲਸ ਹਾਈਪੋਥਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਨੰਬਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨਸ ਬੇਸ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਵੋਬਲਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੁਛ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਲੈਂਟ, ਚੁੱਪ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ 'ਚ ਨਾ ਅਪੀਅਰ ਕਰਨ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਅਪੀਅਰ ਕਰ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਈਲੈਂਟ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਕਲ ਸ਼ੇਪਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਟਾ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਟਾ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡ ਚੇਨ ਸੀ ਉਹਦੇ 6 ਨੰਬਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਗਲੂਟੈਮਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਰੀਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੀ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਸ਼ੇਪ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਟਰੋਜਾਈਗੋਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮੋਜਾਈਗੋਸ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਹੋਮੋਜਾਈਗੋਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡ ਚੇਨਸ ਐਸ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਉਹ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਆਈ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਜੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਡਿਸਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੋਪਿਕ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜੀਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਸੋ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੋਪਿਕ ਹੈ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜੀਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੋ ਮਾਰਕਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ 5 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆ ਜੀਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਓਪੇਰੋਨ ਮਾਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇੰਡਿਊਸੀਬਲ ਓਪੇਰੋਨ ਮਾਡਲ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੰਡਿਊਸੀਬਲ, ਇੱਕ ਰੀਪ੍ਰੈਸੀਬਲ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਨਾ, DNA ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ DNA ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜੀਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀਨ ਆਹ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਂਜਾਈਮਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੋਪਿਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜੀਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਜੀਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੱਚੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜੀਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਨ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਸ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਈਕੋਲਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਜਾਈਮਸ ਦੀ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਰ ਲੈਕੋਪੇਰੋਨ, ਬੱਚੇ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜਿਸਟ ਸੀਗਾ ਕੌਣ, ਫ੍ਰੈਂਕੁਆਇਸ ਜੈਕੋਬ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜੈਕੋਇਸ ਮਨੋਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਾਸਚਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪੇਰੋਨ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਜੀਨ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਕੋਲਾਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਾਹਦੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਓਪੇਰੋਨ ਮਾਡਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਡਿਊਸੀਬਲ ਅਤੇ ਰੀਪ੍ਰੈਸੀਬਲ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ
पेपर से तुम ना इंड्यूसिबल वाला आ जाता आज यदि थले डायग्राम बनी हुई है कोई नहीं मैं नालों नाल दसूँगी तो यह की है एक कैटाबोलिक पाथवे है क्यों क्योंकि कहता पाया असं ईकोलाई बैक्टीरिया के अंदर जदों की देखा मैटाबोलिज्म इन्ना रटाया से तुम प्लस वन क्लास के मैटाबोलिज्म मतलब ब्रेकडाउन हो रही है सबसटांसिज की सो इतने लैक्टोज शूगर की ब्रेकडाउन होनी है उन्हें टुट जाना है कि ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज के इस करके बच्चे जिहड़ा इंड्यूसिबल ओपेरोन मॉडल है ना इहनू असीं होर की कहिंदे आ कैटाबोलिक पाथवे कहिंदे आ जदकि मैं जिहड़ा मैं तुहानूं रिप्रेसिबल पढ़ाना ना ठीक है उहनूं असीं एनाबोलिक पाथवे कहिंदे आ उहदे दौरान एक नॉन प्रोटीन सबसटांस बनना ट्रिप्टोफैन सो इन्नी गल समझ आ गई पहली गल कि जिहड़ा इंड्यूसिबल ओपेरोन मॉडल हैगा इहदे च सिंथस इहदे च ब्रेकडाउन होनी है लैक्टोज शूगर ने टुटना है ठीक है जबकि जिहड़ा रिप्रेसिबल ओपेरोन मॉडल हैगा उहदे च की हुंदी है सिंथसिस ट्रिप्टोफैन दी सिंथसिस हुंदी है वो एनाबोलिक पाथवे है ठीक है जी। चलिए फिर हुण होया कि बैक्टीरिया के अंदर मीनिंग ओपेरोन का मतलब की है क्यों क्या क्या क्योंकि साइंटिस्टा के तो नाम तो की सके जैकोब एंड मनोद इदा भी तुहाडे क्वेश्चन बनया होना ठीक है मैनूं लगता लिख लिया होना बच्चों ने नोटबुक्स के उत्ते हाँ ठीक है सो बहुत इंपोर्टेंट है बड़ा सौखा है पर आज भी पेपर से तो सोहना करके बच्चे ने किया हो तो फुल मार्क्स आएंगे कोई कट नहीं सकता बहुत सौखा है बड़ा इंट्रस्टिंग है ठीक है जी। पहला तुहानूं मतलब समझाइए ओपेरोन का फिर मैं तुहानूं मतलब समझाऊंगी इहनूं इंड्यूसिबल क्यों कहा तो उहनूं रीप्रेसिबल क्यों कहा ठीक है सो ओपेरोन का की मतलब है बच्चे ओपेरोन की हुंदा एक डीएनए का एक टुकड़ा हुंदा इस सेगमेंट ऑफ डीएनए कंप्राइजेस वन और मोर एडजस्टेड स्ट्रक्चरल जीन्स आ मैं तुहानूं डायग्राम तो दिखाती हाँ आ जो स्ट्रक्चरल जीन्स है लैक जैट लैक वाई लैक ए तीन तरह दियां स्ट्रक्चरल जीन्स है ठीक है जी। सो इन स्ट्रक्चरल जीन्स नू ए डीएनए दे एक टुकड़े नू की नाम दे दिता उन्हें ओपेरोन समझ रहे हो आ देखो तुहाडे उपर लेबलिंग भी की है उहदे तो बाद नाल ही की आ गई ओपरेटर जीन नाल ही की आ गई प्रमोटर जीन तो एक गैप पा के नाल ही की आ गई रेगुलेटर जीन गल समझ गए हो ठीक है। सो स्ट्रक्चरल जीन ओपरेटर जीन तो प्रमोटर जीन ये तिने की बनाते पे आ ओपेरोन तो रेगुलेटर जीन भी बिचे पा लो तो ये पूरे का पूरा कौन है डीएनए क्योंकि असं की पढ़न जा रहे हैं असं पढ़न जा रहे हैं कि जीन्स के उत्ते कंट्रोल किदा किया जा सकता उन्होंने एक्सप्रैशन किदा रोकया जा सकता ठीक है जी। सो बच्चे फिर तो दोबारा बोलो इंड्यूसिबल ओपेरोन दे विच असी तीन स्ट्रक्चरल जीन केड़ियां पढ़िया लैक जैट लैक वाई लैक ए अपनी मर्जी नहीं करनी हैगी इधरों की शुरू कर दिनी हाँ तो की फर्क पैंदा ए वाई जैड कर दिनी हाँ नहीं तुसीं बदल नहीं सकते किसी के सिस्टम नूं की पता उन्हें क्यों इस तरीके दे नाल लईआं मैं अगला तुहानूं दिखाना चाहनी हाँ हुणे इत्थे तुहानूं ज़्यादा दिमाग च पै जाणी तुहाडे गल जबकि अगला जिहड़ा असीं रिप्रेसिबल ओपेरोन सिस्टम लैणा ना उहदे विच बच्चे असीं पंज स्ट्रक्चरल जीन देखिए अच्छा हुण मैनूं कोई बच्चा दस सकदा क्लास दे विच कि इह एल ए सी दा की मतलब है ट्रिप्टोफैन है ना क्योंकि मैं की कहा सी मैं कहा सी जिहड़ा रिप्रेसिबल ओपेरोन सिस्टम हैगा ना उहदे च ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस होनी है तो बच्चे इहदे च उहने पंज स्ट्रक्चरल जीन लईआं सानू नहीं पता क्यों लिया उधर तीन लिया इधर पांच लिया सानू नहीं पता ई डी सी बी ए कर सकता सी ना ए बी सी डी उन्हें नहीं किया तुसी भी इदा ही लिखना कल नू पांच बच्चे ठीक है कि टी आर पी ई ठीक है टी आर पी डी सी डी तो कोई वड्डी गल नहीं अगे लैक ला दिता ये अगे टी आर पी ला दिता ठीक है जी। चलिए उधर तीन स्ट्रक्चरल जीन सी इधर पांच ठीक है जी। अच्छा आ जाओ हूँ सो ओपेरोन सिस्टम मैं पहले ही दस चुकी हाँ दो तरह के होंगे है हूँ ओपेरोन का मतलब समझ आ गया। सो बच्चे ओपेरोन डीएनए का वो सैगमेंट है जिद की आ जाए एक जां दो ठीक है स्ट्रक्चरल जीन आ जाए तीन भी हो सकती तीन हुई ओपरेटर जीन आ जाती है प्रमोटर जीन आ जाती है रेगुलेटर जीन आ जाती है। चलिए फिर ओपेरोन सिस्टम जिहड़ा हैगा हुण टू टाइप्स का हुंदा बच्चे इंड्यूसिबल ते रीप्रेसिबल इंड्यूसिबल ओपेरोन है ना। सो ये की है ये सिस्टम जिहड़ा हैगा इंड्यूसिबल ओपेरोन ठीक है इज स्विचड ऑन वैन ए कैमिकल कॉल्ड इंड्यूसर इज प्रेजेंट इदा नहीं समझ आना डायग्राम देखो
पहली डायग्राम देखो, ठीक है 6.36 की पहली डायग्राम देखो, ठीक है ये की होया बच्चे, रेगुलेटर जीन ने मैसेंजर आ रहे हैं मैसेज दिता है ना, उन्हें सैल के अंदर की प्रोड्यूस करवा दिता, रिप्रैसर, उन्हें एक की मोलीक्यूल प्रोड्यूस करवा दिता, रिप्रैसर। अच्छा साइड पर लिखा पाया नो इंड्यूसर, उस टाइम के उत्ते इंड्यूसर नहीं सी। अच्छा ये रिप्रैसर ने की किया, ये ना जाके ना ओपरेटर जीन के नाल जुड़ गया, वो हम मैं बार बार दसना तो नहीं पेगा, ओ जी मतलब ओपरेटर जीन, पी जी मतलब प्रमोटर जीन, आर जी मतलब रेगुलेटर जीन, बिल्कुल सिंपल। तो तीन तरह दियाँ स्ट्रक्चरल जीन्स, यही चार पढ़ाइया मैं। ओके जदों इंड्यूसर नहीं सी, इंड्यूसर नहीं सी, रिप्रैसर नूं मौका मिल गया, रिप्रैसर जाके किहदे नाल जुड़ गया, ओपरेटर जीन ना, उन्हें सिस्टम नू चलाता के बंद करता, बंद करता, उन्हें सारा सिस्टम की कर दिता, बंद कर दिता, ओपरेटर जीन टर्नड ऑफ, इनएक्टिव हो गई। जदों वो इनएक्टिव हो गई क्योंकि इत्थों ही तो जाना सीगा आरएनए पॉलीमरेज, तो उत्थे जाके उन्हें एंजाइम्स की सिंथेसिस करवानी सी, पर हुण जद रस्ता ही ब्लॉक हो गया, स्ट्रक्चरल जीन्स की हो गई, इनएक्टिवेटिड हो गई, नो ट्रांसक्रिप्शन नो ट्रांसलेशन, गल समझ गए। अच्छा मुड़ के की होया, असी हुण चाहते हाँ, ठीक है असी चाहते हाँ कि असी एंजाइम्स की सिंथेसिस, बच्चे चाहे मैं बार बार एंजाइम कही जावां तो चाहे मेरे मुँह चो प्रोटीनस निकली जाए, इको गल है ना, एंजाइम्स प्रोटीनिशियस ही होंगे नेचर च, वैसे इतने एंजाइम बनने हैं, मैं दसदी हाँ। हुण की होया, हुण असी चाहते हाँ कि एंजाइम्स की सिंथेसिस हो जाए, तो कौन आया बाहरों की, इंड्यूसर। जदों इंड्यूसर आ देखा थले जाके जुड़ गया रिप्रैसर के नाल, देखते पे गोल जहा हो के, इंड्यूसर रिप्रैसर कंपलैक्स बन गया, इन्हें की कर दिता, इन्हें हुण रिप्रैसर नूं रोक दिता कि नाल जुड़न नहीं दिता उन्हों, किदे नाल, ओपरेटर जीन दे नाल, जिदे करके बच्चे सिस्टम की हो गया स्विच ऑन, है स्ट्रक्चरल जीन एक्टिवेटेड हो गई, सिस्टम की हो गया स्विचड ऑन हो गया, स्ट्रक्चरल जीन्स तो कौन बनया, एमआरएनए, ते एमआरएनए तो कौन बने, तीन एंजाइम्स कड़े, बीटा गलैक्टोसाइडेस, परमीएस, ते ट्रांस एसिटिलेज, ते इन एंजाइम्स ने की कर दिता, थले लिखा हुआ तुहाडे, ठीक है जी, की करता बच्चे, लैक्टोज शुगर नूं तोड़ दिता, कादे च, ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज, हुण तुहानूं गल समझ आ गई, ए सी ਕਿਹੜਾ ਓਪੇਰੋਨ ਇੰਡਿਊਸੀਬਲ ਓਪੇਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਕ ਓਪੇਰੋਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਆਈ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡਿਊਸੀਬਲ ਓਪੇਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੋ ਵਿਦ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏ ਇੰਡਿਊਸੀਬਲ ਓਪੇਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਵੀ ਆਹ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਉਨਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਪ੍ਰੈਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਹਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਰਿਪ੍ਰੈਸੀਬਲ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ ਆ ਗਈਆਂ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਟਰਕਚਰਲ ਜੀਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਸਟਰਕਚਰਲ ਜੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਰੋਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਾਹਦਾ ਓਪਰੇਟਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਓਪਰੇਟਰ ਜੀਨ ਬੱਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਓਪਰੇਟ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰਲ ਜੀਨ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਡਜਸਟੈਂਟ ਟੂ ਸਟਰਕਚਰਲ ਜੀਨ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖ ਲਓ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਓਪਰੇਟਰ ਜੀਨ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪ੍ਰੈਸਰ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਨ ਏ ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰਲ ਜੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਨਜ਼ਾਈਮਸ ਦੀ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਓਪਰੇਟਰ ਜੀਨ ਬਲੌਕ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪ੍ਰੈਸਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਆਰ ਐੱਨ ਏ ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਣਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜੀਨ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਓਪਰੇਟਰ ਜੀਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜੀਨ ਕਿ ਆਰ ਐੱਨ ਏ ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਐਂਜਾਈਮ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਓਪਰੇਟਰ ਜੀਨ ਟਰਨਡ ਔਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਐਂਜਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਰੇਟਰ ਜੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਓਪਰੇਟਰ ਜੀਨ ਤਾਂ ਹੀ ਭੇਜੂਗੀ ਸਟਰਕਚਰ ਜੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਰ ਐੱਨ ਏ ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਜੇਕਰ ਕੌਣ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜੀਨ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜੀਨ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਰ ਐੱਨ ਏ ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜੇਗਾ
ठीक है जी। अगे बच्चे तुहाडे कोल चौथी आ गई कि जीन रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन ने बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले किया। जे रेगुलेटर जीन ना होंगी तो इंड्यूसीबल कैमिकल प्रोड्यूस होना सी, इंड्यूसर नहीं सी होना। नाम तो पता लगता पाया ये करती भी है प्रोसैस में रेगुलेट। इन्हें mRNA के थ्रू मैसेज दिता, ठीक है, तो रिप्रैसर जोड़ा पहले जुड़ गया, पर उन्हें फिर बाद प्रोड्यूस किया इंड्यूसर, तो इंड्यूसर ने फिर रिप्रैसर नहीं जुड़न दिता। गल समझ गए तो प्रोसैस की रही इनू। इन्हों बच्चे सच की कहना स्विच ऑफ तो स्विच ऑन। पहली तो डायग्राम के सिस्टम स्विच ऑफ सगा, तो दूसरी डायग्राम के इंड्यूसर ने जाके रिप्रैसर को हटा दिता, ठीक है, तो सिस्टम की हो गया स्विच ऑन। इतने मैं तुम्हें इंड्यूसर के बारे थोड़ा जहा दसना चाहनी हाँ, सुनो ध्यान दे। इंड्यूसर इज़ ए कैमिकल। तुम कुड़ियों को पता होना चाहिए बच्चों कि इंड्यूसर कौन सगा, कौन है, वो एक प्रोटीन है, वह कौन है, वह एक की है कैमिकल है, जिहड़ा कि आ गई ना गल रिप्रैसर की कर देंदा, इनएक्टिवेट कर देंदा, उहदे स्ट्रक्चर नूं इस तरीके नाल मोडीफाई करता कि अगला जुड़न के काबिल ही नहीं रहिंदा ऑपरेटर जीन के नाल, ठीक है जी। की बना लैंदा वह रिप्रैसर के नाल मिलकर, रिप्रैसर इंड्यूसर कंपलैक्स, समझते पे हो, ठीक है। सो इस तरीके दे नाल एंजाइम्स जिहड़े हैगे आ सारे ते सारी प्रोसैस दे विच एंजाइम्स भी इनवॉल्वड है ना। हुण जेकर जी प्रैसर जिहड़ा हैगा नहीं जुड़िया तो बच्चे ओपरेटर जीन जिहड़ी सीगी वो फ्री हो गई सी ना। आरएनए पॉलीमरेज़ एंजाइम बार बार असी कही जा रहे हैं मूव कर जाएगा, तो इस प्रोसैस में असी एंजाइम इंडक्शन कह सकते हैं, एंजाइम्स इनवॉल्वड सीगे। अच्छा, सो द एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड इन रिस्पोंस टू द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूसर, उन्होंने असं कहड़ा एंजाइम कह देंगे, इंड्यूसीबल एंजाइम कह देंगे। इंड्यूसीबल एंजाइम में ही असी कहता पहला की कहते होंगे सी, अडैप्टिव एंजाइम्स कहते होंगे सीगे, ठीक है जी। सो द एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड इन आल द टाइम इर रिस्पैक्टिव ऑफ द कैमिकल कंपोजिशन ऑफ द एनवायरमेंट। इतने एंजाइम्स में की कहें कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम्स भी कहें, ठीक है। सो इतने तक तुम इनू सुनना